सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल क्लैन यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकॉन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अकाउंट के लिए बैकअप कोड फाइंड करना, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार किस्म का, काफ़ी सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू अपने ट्विटर अकाउंट के लिए बैकअप कोड फाइंड करना है और उसको अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाना है। दोस्तों ज़्यादातर ये अकाउंट इस वक्त यूज़ होता है जब आपके पास एनीवन किसी भी किस्म के आप ऐसे इलाके में गए हुए होते हैं जहाँ के पास सिग्नल वगैरह नहीं होते उस नेटवर्क पर जिसके आपने जिस नंबर पर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाई हुई होती है, या आपके पास वो ईमेल नहीं है या आपके पास वो नंबर भी नहीं है जो आपने इसमें ऐड किया हुआ था टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके पास कोई भी किस्म का किसी भी किस्म का कोई भी वो सोर्स नहीं है जिसके थ्रू आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लें, तो उस सूरत में आपको बैकअप कोड ही आपके लिए बहुत ही कमाल का ऑप्शन आता है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा से बहुत ही आसानी से आपके अकाउंट को लॉगिन कर देता है। दोस्तों आपने इस बैकअप कोड को फाइंड किस तरह से करना है अपने ट्विटर अकाउंट के लिए और उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको किस तरह चेंज करना है, दोस्तों आज वीडियो आपको ये बताऊंगा। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिम मकसूद और आप देख रहे हैं टेक्निकल क्लैन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट में आ जाना है। जैसे कि मैं अपने ट्विटर अकाउंट में आ गया हूँ तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है और अपनी जो भी जैसा भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना है। जैसे आप सेटिंग एंड प्राइवेसी में आएंगे तो आपने अकाउंट में आ जाना है। उसके बाद जैसे आप अकाउंट में आ जाएंगे तो आपके साथ यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट का वाला जो डैशबोर्ड है ओपन होगा, तो आपने सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पासवर्ड रीसेट प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है के ऊपर लर्न मोर का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपने इस जगह पर क्लिक कर देना है। लर्न मोर पर आपने क्लिक नहीं करना बल्कि आप टू स्टार वेरिफिकेशन वाले पूरे पैनल पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला आ गया और यहाँ पर आप बैकअप कोड वाला ऑप्शन आ गया। तो जैसे आप बैकअप कोड पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास ये बैकअप कोड आ गया। तो दोस्तों अगर आप इसको न्यू बैकअप कोड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यस दिस इज न्यू माई बैकअप कोड, तो यह बैकअप कोड आपके पास आ गया और ये सेम इसी का एक पिक्चर लेकर उन्होंने गैलरी में आपके सेव कर दी है। अब यहाँ पर आप देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बैक आ गया मैं और अभी मैं आपको इसके थ्रू लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको लॉग आउट कर दिया अपने जो भी अकाउंट है, जैसे अकाउंट को मैंने अपना लॉगिन कर दिया तो अब मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना लॉगिन अकाउंट करता हूँ जो कि मेरा अकाउंट है, मैं अपना ईमेल और पासवर्ड लगा लिया, लगाने के बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने वेरीफिकेशन एंट्री मांगी, तो मैं चॉइस ऑफ डिफरेंट मेथड पर क्लिक करता हूँ और बैकअप कोड पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आया और यहाँ पर जो सेम मेरा जो बैकअप कोड था उसको मैंने लगाने के बाद इसको लॉगिन कर दिया। जैसे मैं लॉगिन पर गया तो आप देख सकते हैं कि मुझे अपने मोबाइल फ़ोन नंबर पर सेम पर यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास उन्होंने जो मैसेज था वो भी सेंड कर दिया था, मगर मैंने आपको दिखाना था कि बैकअप कोड आपने किस तरह से इसके अंदर ले किस बैकअप कोड के थ्रू आपने किस तरह से यूज चलाना है, तो मैंने आपको वो प्रोसेस सारा समझा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे उन्होंने बैकअप कोड के थ्रू काफ़ी आसानी के साथ मेरा जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।